नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा में जावेद पंप के सहयोगी रहे 5 आरोपी फरार हैं। ये 5 राजनीतिक रसूख रखते हैं। अपनी राजनीतिक पकड़ के चलते ही उन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया और दंगा करवाया। पुलिस की तमाम खोजबीन के बाद ये 5 फरार हैं, जिसके चलते यूपी पुलिस ने इन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इनाम के साथ ही इनके घरों पर जल्द ही कुर्की का नोटिस भी चस्पा कर दिया जाएगा। क्या है पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद अटाला में हुई हिंसा और बवाल के मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने फरार चल रहे पॉलिटिकल कनेक्शन वाले नामजद आरोपियों के खिलाफ 25,000 के इनाम की घोषणा की है। एसएसपी ने नामजद आरोपी मुस्लिम स्कॉलर उमर खालिद, करेली से सपा पार्षद फजल खान, वामपंथी नेता डॉक्टर आशीष मित्तल, एआईएमआईएम के नेता शानदार मानी और जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम पर भी 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। 5 आरोपियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में खुल्दाबाद थाने में नामजद मामला दर्ज है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही 5 आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने पहले ही कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी कर लिया है। पुलिस अब इन अभियुक्तों पर इनामी राशि घोषित करने के बाद आरोपियों के घर पर मुनादी कराएगी और कोर्ट से आदेश लेकर कुर्की की कार्रवाई भी करेगी। गौरतलब है कि 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद अटाला में हिंसा को लेकर पुलिस ने करेली थाने में एक और खुल्दाबाद थाने में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 80 से ज्यादा लोगों को नामजद और 5,000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने खुल्दाबाद थाने में कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है और अपराधियों की धरपकड़ में लग गई है। प्रयागराज हिंसा के मामले में अब तक मास्टरमाइंड जावेद पंप के साथ ही 105 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिसमें 7 नाबालिग भी शामिल हैं, जिन्हें बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। इसके साथ ही साथ पुलिस सीसीटीवी फुटेज व अन्य वीडियो के आधार पर 59 संदिग्धों के पोस्टर जारी किए हैं, जिसके आधार पर भी लगातार अभियुक्तों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में हिंसा से हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से कराने के लिए पुलिस और नगर निगम की ओर से क्लेम कमिश्नर के यहाँ दावा ठोक रखा है। एआईएमआईएम और सपा के ये गुर्गे चाहे कितनी भी दौड़ लगा ले, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे। अगर टाइम से गिरफ्तार हो जाते हैं तो अच्छा रहता, लेकिन अब गिरफ्तारी तो होगी ही, साथ ही नुकसान की भरपाई के साथ बुलडोजर का भी सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।